गर्भवती हिरण का बच्चा, शेर और दुष्ट लोमड़ी। शेर और लोमड़ी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लोमड़ी हमेशा शेर की हाँ में हाँ मिलाती थी, इसीलिए शेर को भी लोमड़ी बहुत ही प्यारी थी। एक दिन शेर और लोमड़ी दोनों शिकार पर जाते हैं। बहुत दूर चलने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। लोमड़ी थक गई थी, पर शेर चलते ही जा रहा था। तब लोमड़ी मन ही मन सोचती है, ये शेर तो कभी थकता ही नहीं, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है अब। पर शेर से कुछ बोलने जाऊं तो वो मुझे चुप कर देगा। मैं उसे मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो वो मुझे शिकार खाने नहीं देगा। लोमड़ी ऐसे सोचते सोचते चलती जा रही थी, तभी एक तालाब के पास उसे एक गर्भवती हिरण दिखाई देती है। दुष्ट लोमड़ी शेर के हाथों उसका शिकार करने का सोचती है। शेर शेर, वो देखो हिरण, चलो हम उसका शिकार करते हैं। अरे नहीं लोमड़ी, लगता है हिरण गर्भवती है। मैं किसी गर्भवती का शिकार नहीं करता, समझी? वैसे तुम थक गई हो, चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। लोमड़ी को तो बस अपनी भूख मिटाने से मतलब था, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हिरण गर्भवती है। पर शेर वैसा नहीं था। शेर की बातें सुन लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, अब इस शेर का क्या करूं? यहाँ से और दूर चलने के लिए मुझ में ताकत नहीं है, कुछ तो करना होगा। लोमड़ी शेर को मनाने के लिए बहाने ढूंढने लगती है। कुछ देर के बाद लोमड़ी शेर से कहती है, अरे शेर, मैं इस हिरण को जानती हूँ, ये कोई गर्भवती नहीं है। अरे इसका बस पेट ही ऐसा बड़ा है। देखो अब हम हर जानवर पर दया नहीं दिखा सकते ना, नहीं तो हम भूखे रहकर मर जाएंगे। शेर लोमड़ी की बात पर भरोसा करता है और हिरण का शिकार करने दबे पाँव जाने लगता है। हिरण भी सावधानी से पानी पी रही थी, उसे अपने और आने वाले बच्चे की चिंता थी। पानी पीते वक्त वो आसपास भी सावधानी से देखा करती थी। तभी उसे शेर की भनक लगती है, ओह तो शेर पास में ही है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना होगा। हिरण मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। शेर का मार खाली जाता है। लोमड़ी हाथ से शिकार जाने पर परेशान हो जाती है, पर शेर का गुस्सा देखकर वो उसे और भड़काने की कोशिश करती है। देखा शेर, ये हिरण कोई गर्भवती नहीं है, अगर गर्भवती होती तो तेजी से भाग पाती क्या? पर शेर ये क्या, एक मामूली हिरण ने आपको चकमा दे दिया, आपके सामने एक हिरण भाग गई। चुप कर लोमड़ी, नहीं तो तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। मेरी दोस्त होकर मुझे ही चिढ़ा रही है तू। और रहा सवाल इस हिरण का, तो ये आज नहीं तो कल इसका शिकार मैं करके ही रहूंगा। लोमड़ी की बातों से शेर और भी गुस्से में आता है। उस दिन जैसे तैसे शेर दूसरा शिकार करता है। वो दोनों मिलकर अपनी भूख मिटाते हैं, पर लोमड़ी को तो हिरण का ही मांस खाने का सपना दिखाई देता है। अरे पहले कितनी भूख लगी थी, पर अब न जाने मन ही नहीं कर रहा है खाने का, बस सामने वो हिरण ही दिखाई दे रही है। अब तो शेर को हमेशा हिरण की याद दिलानी होगी। लोमड़ी बार बार शेर को उसकी नाकामयाब कोशिश याद दिलाती रहती थी, ताकि शेर हिरण का शिकार करने का मन से ना निकाले। एक दिन लोमड़ी गुफा में ही थी और शेर शिकार पर गया था। तभी उसे वही गर्भवती हिरण दिखाई देती है। इस बार शेर बहुत ही संभाल कर हिरण का पीछा करता है और मौका पाते ही उसे दबोच लेता है। आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई, उस दिन मेरे हाथों से बच निकली थी, पर आज कैसे बचेगी? शेर शेर, कृपा करके मुझे छोड़ दो। देखो तुम्हें मेरे आने वाले बच्चे का वास्ता है, मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दो। क्या क्या कहा तुमने? शेर चौंक जाता है
और वो हिरन को छोड़ देता है। क्या सच में तुम गर्भवती हो या फिर नाटक कर रही हो? नहीं नहीं शेर, मैं किसी लोमड़ी को नहीं जानती। शेर, मैं मेरे आने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ। उस दिन भी मैं बच्चे के खातिर ही तेजी से भाग गई थी। हिरन की बातों से लोमड़ी का झूठ शेर के सामने आता है। वो हिरन को वहां से जाने के लिए कहता है। शेर लोमड़ी की चालाकी जानकर दुखी हो जाता है। लोमड़ी ने मुझसे झूठ कहा, वो अपने मतलब के लिए मुझसे पाप करवाना चाहती थी। ये कैसी दोस्त है जो अपने दोस्त की बात नहीं समझती। आज से लोमड़ी, मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखूंगा। शेर एक जगह पर खड़ा रहकर सोच रहा था, तो दूसरी ओर एक शिकारी अपने तीर कमान से शेर पर निशाना साध कर खड़ा था, जिसे गर्भवती हिरन देख लेती है। बाप रे शिकारी, ये तो शेर पर ही निशाना साध कर है। शेर ने मेरे बच्चे के खातिर मुझे छोड़ दिया। वो बड़े दयालु है, मैं उन्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। शिकारी तीर चलाने ही वाला था कि तभी हिरन शिकारी पर अपने पैरों से हमला करती है। शिकारी नीचे गिर जाता है और उसका तीर चूक जाता है। शेर ये सब देखकर जोर से दहाड़ लगाता है। शिकारी डर के मारे वहां से भाग जाता है। तब शेर हिरन से कहता है, तुमने ऐसी हालत में मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज से तुम्हारी और तेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी। शेर हिरन की जिम्मेदारी लेता है। शेर हिरन को अपनी गुफा में लाता है। लोमड़ी हिरन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह शेर, हिरन को सीधे अपने घर ही लेकर आया। अरे वाह, आज तो फिर पार्टी मनाएंगे पार्टी। बकवास बंद कर अपनी, तुम्हारा झूठ मेरे सामने आ चुका है। बिना मेहनत के खाना खाने की आदत पड़ गई है ना तुम्हें, और सिर्फ खाने के लिए ही तुम मुझसे दोस्ती करती हो। लेकिन आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। लोमड़ी गुस्से से वहां से चली जाती है। शेर से दोस्ती टूटने का वो सारा इल्जाम हिरन पर लगाती है। अब वो हिरन से बदला लेने का ठान लेती है। शेर हिरन का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। एक दिन हिरन अकेले जंगल घूम रही थी कि तभी उसके सामने लोमड़ी आती है। हिरन, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मुझसे नफरत करने लगा है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लोमड़ी हिरन के पीछे लग जाती है। हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, पर इसी बीच उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। हिरन एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लोमड़ी हिरन और बच्चे को देखकर खुशी से हंसने लगती है। लोमड़ी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जाने दो हमें। एक माँ का दिल समझने की कोशिश करो लोमड़ी। हिरन लोमड़ी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, बच्चे के लिए भीख मांगने लगती है, पर दुष्ट लोमड़ी को उस पर दया नहीं आती। वो पहले हिरन के बच्चे के पास जाने लगती है, तभी वहाँ शेर दहाड़ लगाते हुए आता है। खबरदार, एक पैर भी सामने रखा तो पैर तोड़कर तेरे गले में डाल दूंगा। उस दिन दोस्ती के खातिर तुम्हें मैंने छोड़ दिया, पर अगर आज तुमने कुछ भी किया तो मैं दोस्ती भूलकर तुम्हें मार डालूंगा लोमड़ी। लोमड़ी गुस्से से पागल हो गई थी। वो शेर की बातों को अनसुना करके हिरन पर हमला करने जाती है, पर तभी शेर लोमड़ी पर झपटा मारता है और उस पर वार करके उसे जान से ही मार देता है। इस तरह से हिरन और उसके बच्चे की जान बच जाती है। शेर बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। उस दिन के बाद से हिरन अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगती है।